फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हो चुकी है, जहां इस फिल्म ने 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 509 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और वहीं पिंक विला की माने तो कहा जा रहा है की देवरा पार्ट 1 आंध्र प्रदेश में ब्लॉकबस्टर, निजाम में सुपरहिट, नॉर्थ इंडिया में सेमी हिट, कर्नाटका में हिट, ओवरसीज में हिट और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। तो जूनियर एनटीआर ने साबित कर दिया कि मार्केट में जो रूमर है कि एसएस राजामौली के साथ काम करने के बाद एक्टर के ऊपर एक श्राप लग जाता है कि एसएस राजामौली के बाद उसकी फिल्में नहीं चलती, पर ट्रिपल आर के बाद जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके सुपरहिट का टैग हासिल कर लिया है। वैसे क्या आपने देवरा पार्ट 1 को देख लिया है? और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। और वहीं बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की तो भूल भुलैया 3 को लेकर कहा जा रहा है कि इस फिल्म का 30% कनेक्शन भूल भुलैया के दूसरे पार्ट से और 70% कनेक्शन भूल भुलैया के पहले पार्ट से होने वाला है, जिसमें हमें मंजुलिका के बारे में दिखाया जाएगा कि कैसे और क्यों वो भूत बनी। और जब से खबर निकल कर आई है तब से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भूल भुलैया के तीसरे पार्ट में हमें अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिल सकता है। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि क्या सच में भूल भुलैया के तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है, या मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक नए तरीके को अपनाया है। आपको बता दें कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें 1 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। सनी देवल की आने वाली अनटाइटल फिल्म एसडीजीएम से मेकर्स ने कंफर्म किया है कि अभी इस फिल्म के मेकर सनी देवल के साथ इंटरवल एक्शन सीन को शूट कर रहे हैं, जिसे एक बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। आपको बता दें सनी देवल की अनटाइटल फिल्म एक मास मसाला एक्शन इंटरटेनर फिल्म होगी, जिसे डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें सनी देवल के साथ रेगिना कैसेंड्रा सायामी खेर और रणदीप हुड्डा लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म कुली में हमें आमिर खान का कैमियो देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि आमिर खान अपने कैमियो पोर्शन की शूटिंग अगले हफ्ते से चेन्नई में स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें रजनीकांत की फिल्म कुली एक गैंगस्टर एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें रजनीकांत के साथ श्रुति हसन, उपेंद्रा नागार्जुन और सत्यराज जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है, तो देखना होगा कि रजनीकांत की फिल्म कुली की रिलीज डेट क्या होती है। खुशी है, दारू है, हसीना है, जिगर में दम है तो स्वर्ग में जगह है। फोटले सीटाडेल हनी बनी से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि सीटाडेल हनी बनी का ट्रेलर 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें सीटाडेल हनी बनी एक स्पाई एक्शन इंटरटेनर सीरीज होगी, जिसकी कहानी सीटाडेल सीरीज के ऊपर बेस होगी। और इस सीरीज को डायरेक्टर राजन डीके ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हमें वरुण धवन के साथ समंथा और केके मेनन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज हमें 7 नवंबर 2024 से अमेजन प्राइम पर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा मैडॉक फिल्म के साथ एक थ्रिलर फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल होगा स्पाइडर। और इस फिल्म को डायरेक्टर तुषार जलोटा डायरेक्ट करने वाले हैं। पर अब कहा जा रहा है कि मैडॉक फिल्म ने इस फिल्म को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसकी जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मैडॉक फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जानवी कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और इस फिल्म का टाइटल होगा परम सुंदरी, जिसे डायरेक्टर तुषार जलोटा ही डायरेक्ट करेंगे। मेकर्स ने इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2024 से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगी। बिश्वक सेन की आने वाली फिल्म मैकेनिक रॉकी का ट्रेलर 20 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें मैकेनिक रॉकी एक मास मसाला एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर रवि मुलापुड़ी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें बिश्वक सेन के साथ मीनाक्षी चौधरी और श्रद्धा श्रीनाथ लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और बिश्वक सेन की ये फिल्म हमें 22 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। उपेंद्रा की आने वाली फिल्म यूआई की रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है, तो यूआई के मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि उपेंद्रा की ये फिल्म हमें 20 दिसंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आपको बता दें यूआई एक साईफाई एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे उपेंद्रा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें उपेंद्रा के साथ सनी लियोन लीड रोल में देखने को मिलेंगी। तो यूआई का टीजर देखने में काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। तो देखना होगा कि उपेंद्रा की ये फिल्म कैसी होती है।
कृति सेनन की आने वाली फिल्म दो पत्ती के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें, दो पत्ती एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शशांक चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें कृति सेनन के साथ काजोल और शहीर से एक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म 25 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी। तो दो पत्ती का ट्रेलर देखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, जिसमें हमें दो जुड़वा बहन की स्टोरी देखने को मिलती है जिन्हें एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो लव ट्रायंगल स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और इन तीनों में किसने क्राइम किया है, ये सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। बहनों में इतनी नफरत, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत तो भाइयों के बीच ही हुआ था ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।